नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भावी ग्राम में रात्रि के समय करीबन 10 घरों से लाखों रुपए की नकबजनी का पर्दाफाश, दो मुलजिम गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर द्वारा वाहन चोर, नकबजन, लूट, डकैती के आरोपी व अन्य संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नवाब खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण एवं राजवीर सिंह, चंपावत वृत्ताधिकारी वृत्त बिलाड़ा के सुपरविजन में भंवर लाल उपनिरीक्षक थाना प्रभारी बिलाड़ा व जिला विशेष टीम प्रभारी लाखा राम उपनिरीक्षक मई टीम द्वारा ग्राम भावी में 7 जनवरी 2024 की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा करीबन 10 घरों से हजारों रुपए नकदी व सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले जाने वाले अपराधियों को दस्तयाब कर चोरी का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की। भावी जो गांव है बिलाड़ा थाना क्षेत्र में, वहाँ 7 और 8 तारीख की रात्रि में बड़ी नकबजनी की वारदातें हुई थी। लगभग 8-9 घरों में ताले टूटे थे, जो कि एक बहुत गंभीर घटना, और जिसको लेकर बहुत सारी टीम गठित की हमने। कुछ स्थानीय लोगों का भी मदद मिला, जिससे कुछ CCTV फुटेज और गाड़ी के नंबर आए थे, और जिससे हमें तुरंत अपराधियों को ट्रेस करने में हमें मदद मिली थी। और इसमें दर्जन भर लगभग चोरियां जो हैं अभी तक खुल चुकी हैं, और इनसे आगे भी अभी पूछताछ जारी है, जिसमें जैसलमेर जिले, बाड़मेर जिले की भी चोरियां हैं, अन्य थाना क्षेत्र कमिश्नरेट की भी, और ग्रामीण जिले के भी विभिन्न थाना क्षेत्र की जो है इसमें चोरियों का खुलासा हुआ है। इसमें जो मुख्य मुलजिम है बिरमाराम, जो कि बाड़मेर का रहने वाला और वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है, और इसमें इसके खिलाफ पूर्व में राजपासा के तहत भी कानूनी प्रक्रिया चलाई गई थी। और दूसरा जो इसमें है भागाराम, जो अभी अरेस्ट हुआ है, वो भी शिव थाना क्षेत्र बाड़मेर का रहने वाला है, और इसमें भाग दौड़ के समय इन अपराधियों को चोट भी आई थी पकड़ने के समय। पुलिस से भागना चाह रहे थे, जिसमें गिरने पड़ने से इनके पैर में चोट भी आई, और ये अभी इनका इलाज भी चल रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर।